कई वीडियो में आपने ये कही थी कि शादी हम नहीं करेंगे, विधवा चाहते हैं अपने जीवन को। शादी हुआ है समाज ने और आरती को पूछा गया सजा दी, आरती को समाज में नहीं चलेगा। मैं आपने ये कही थी कि शादी हम नहीं करेंगे, विधवा चाहते हैं अपने जीवन को बिताएंगे, लेकिन क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि आरती ने शादी कर ली? देखिए हम तो सब दिन बोलते आ रहे हैं, मतलब वो तो बोले थे उस वक्त, ऐसी हालात थी कि उसमें तभी तो अब क्या बता सकते हैं हम इसमें, या फिर कब आगे भी हालात बदलने वाले? कैसे आगे हालात बदलेंगे? ये भी कहा जा रहा है कि समाज के लोग बोल रहे हैं कि कुंवारी लड़की को घर में नहीं रहना चाहिए, इसलिए आपने शादी किया था, क्या ये बात सही है? ये भी तो बात सही है। आपने आपने बोला कि हालात के हिसाब से हमने कदम उठाया है, आपकी स्टेटमेंट कोर्ट के अंदर भी मजिस्ट्रेट के सामने हुई है, 164 का बयान, क्या उस बयान को भी जो अदालत है ये मान ले कि आपके हालात मोचे हालत सही नहीं थी तब आपने अरेस्ट कर लिया? वो तो देखिए उस वक्त एनी टाइम ऐसा थोड़े होता है कि एनी टाइम स्थिति ठीक ही रहता है, वैसी रहता है, मिनट में पल भी क्या होता है कौन जानता है। ऐसा क्या हो गया आपके साथ में जो 5 महीने के अंदर आपने शादी कर ली, जबकि आपने बोला था कि हम जिंदगी भर छोटी देखिए विधवा बन के रहेंगे? तो जिंदगी भर वो तो बोले थे समाज के दबाव में शादी किया है हम, समाज का ये तो भाई लोग जो घर में आरती डिसीजन लेती है बोल डिसीजन लेती है, और अभी आज ही के दिन में इन्होंने बोला था कि हमने जो लिया फैसला अपना खुद के मदद लिया है फैसला, तो आपके साथ ऐसा क्या हो गया जो आपको बहुत जल्द फैसला लेना पड़ गया? बहुत जल्द समाज बोले ऐसे कि इस तरह का नहीं रहना चाहिए, करवाइए, तो इस तरह का हुआ। शादी से समाज बोले तो समाज 1 साल कैसे रुक सकते, जब समाज बोल रहा है तो उसमें हम कैसे रुक सकते हैं? समाज में रहना एक समाज के दबाव में आप शादी नहीं ना किए? अब देखिए सबका विचार होता है, सहमत होता है तभी तो कुछ होता है। आप भी सहमत हैं ना समाज में रहेंगे तो समाज से बात नहीं। आपकी शादी छोटू से तय होने वाली थी, हालांकि अब छोटू इस दुनिया में नहीं है, क्या शादी के वक्त छोटू की याद भी आई थी आपकी? अब ये सब बात देखिए पूछने के लायक है, ये सब जो बात जब आप लोग को हम बार बार इतना रिक्वेस्ट कर चुके हैं, बीते हुए बात को मत लाइए तो क्या ये मान लिया जाए? हम रोक नहीं रहे भैया, हम रोक नहीं रहे। 5 महीने पहले रोलो तो बोल रही थी, चीख चीख बोल रही थी, मार दिया गया छूट जाएगा हो गई है, और फिर 5 महीने के अंदर उसकी गम को भुला कर शादी कर लिया। गम को हम नहीं भुलाए, अभी भी मेरे शादी हुआ है समाज ने और आरती को पूछा गया सजा तो आरती को समाज में नहीं चलेगा, इसलिए शादी। जिस तरह से जो सजा की आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है अभी जो है 5 महीने के अंदर शादी हो गई है, उसके बाद सजा क्या लग रहा है कि मिल पाएगा? शादी होगा, शादी सबका होता है, शादी क्यों नहीं करेगा? लेकिन जिस प्रकार से शादी को
आपके बच्चे की हत्या हुए उसके 5 महीने नहीं गुजरे हैं और आपके घर में खुशियाँ हो रही है, खुशियाँ मनाई जा रही है, शादी हो रही है। एक मिनट सुनिए, समाज के कहना हुआ कुमारी लड़की को घर में अच्छा नहीं होता है, इसलिए हम शादी करवा दिए सब समाज के मन से और आरती के भी मन से, मनु का भी मन से शादी हुआ। लेकिन आरती स्टेटमेंट ऐसा क्यों दे रही है कि हमने ऐसा, सुनिए ना, आप ऐसा सुनिए ना, आप सवाल इसलिए कर रहे हैं कि आपको नहीं बुलाए थे इसलिए शादी। क्या ऐसा कोई बात